गाइस रिसेंटली अभी मैंने एक वीडियो यहाँ पे अपलोड किया था कि तीन ऐसी पावरफुल यूएसबी जो आपको अभी के अभी बना के रख लेनी चाहिए और जिसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और आप लोगों में से कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि उन्हें एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए रिकवरी यूएसबी पे, क्योंकि मैंने विंडोज़ पोर्टेबल यूएसबी पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो आज की वीडियो गाइस हमारी होने वाली है विंडोज़ रिकवरी यूएसबी के बारे में, और ये विंडोज़ 10 का भी हो सकता है, विंडोज़ 11 का भी हो सकता है, तो जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। अब शुरू करने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि इसके यूज़ क्या है, क्या इसके लिमिटेशन है और क्या इसके बेनिफिट हैं। देखिए, इन फ्यूचर अगर आपको किसी तरह के ब्लू स्क्रीन की प्रॉब्लम आती है, आपका विंडोज़ करप्ट हो जाता है, आपका विंडोज़ कोई प्रॉब्लम करता है, आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कोई भी सिमिलर प्रॉब्लम आती है, तो अगर आपने एक रिकवरी ड्राइव बना रखी है तो इस विंडोज़ की एक इमेज क्रिएट होती है और उसके ज़रिए से आप आसानी से अपने विंडोज़ को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि अगर आपका जो भी डेटा रहा होगा वो डेटा आपका यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, बट एटलीस्ट आपका जो विंडोज़ है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान नहीं होना पड़ेगा। और इसके लिए गाइस मैंने एक ऑलरेडी वीडियो भी लास्ट बनाई है कि आप हमेशा से अपने कंप्यूटर में एक दो पार्टीशन ज़रूर रखें, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और एक आपका डेटा के लिए। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो आप सी ड्राइव को फिक्स करके आराम से रिकवर कर सकते हैं और आपका डी ड्राइव में जो डेटा है वो हमेशा सिक्योर रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको बनाना है और कैसे इसको यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं अभी यहाँ पे विंडोज़ 11 में हूँ गाइस, अगर आप विंडोज़ 10 भी यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी आपको सेम ऑप्शन मिल जाएगा। बहुत सिंपल होता है, आप अपने विंडोज़ सर्च पे क्लिक करिए, टाइप करिए रिकवरी, रिकवरी ड्राइव मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करो, यस पे क्लिक करिए और कुछ इस तरह का एक डैशबोर्ड आएगा और यहाँ पे कहता है बैकअप सिस्टम फाइल टू द रिकवरी ड्राइव, तो बिल्कुल आपको बैकअप करना है सिस्टम फाइल को, तो इसको यहाँ पे चेक करिएगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और ये कुछ देर में यहाँ पे वेट करने के बाद डिटेक्ट करेगा कि कौन सी पेन ड्राइव या कौन सी एक्सटर्नल ड्राइव अवेलेबल है जिसको यहाँ पे आप बैकअप ले सकते हो। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे और कुछ ही देर में गाइस देखो लोड हो जाएगा और अवेलेबल ड्राइव में जो भी आपकी पेन ड्राइव जो भी कनेक्ट होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा और ये कहेगा द ड्राइव मस्ट बी एबल टू होल्ड एटलीस्ट 16 GB एंड एवरीथिंग ऑन द ड्राइव विल बी डिलीटेड। तो आपकी पेन ड्राइव कम से कम 16 GB की होनी चाहिए और कोई भी डेटा उसमें आपका नहीं होना चाहिए क्योंकि सब कुछ वाइप आउट हो जाएगा। तो अवेलेबल ड्राइव में गाइस उस पेन ड्राइव को आप सेलेक्ट कराइए जिसको आप रिकवरी बूटेबल यूएसबी बनाना चाहते हैं। मैं सैंडिस को बनाना चाहता हूँ जिसको यहाँ पे सेलेक्ट रखेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे वार्निंग देगा कि सारा डेटा इसमें डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप अश्योर हैं तो बस यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक करिए और ये देखिए क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। तो थोड़ा सा टाइम लेगा गाइस, हो सकता है 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का टाइम भी ले सकता है, तो आपको वेट करना है। मेक श्योर आप जो है अपने पीसी को प्लग इन रखिए, यहाँ पे लैपटॉप को ऑन रखिएगा जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। और जैसे गाइस ये कंप्लीट होता है तो आपके पास देखिए इस तरह से मैसेज आएगा कि ये रिकवरी ड्राइव आपकी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। और अगर आप फाइल एक्सप्लोरर में जाके देखोगे भी तो ये देखिए यहाँ पे रिकवरी ड्राइव के नाम से अब आपको शो कर रहा है और इसके अंदर सारी फाइल्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो बस अब आपकी रिकवरी ड्राइव यहाँ पे रेडी है, अब देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ करने के लिए गाइस मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिस्टम 32 की कुछ फाइल को डिलीट करूँगा ताकि मुझे ये ब्लू स्क्रीन दे और उस ब्लू स्क्रीन को हम फिक्स करेंगे फिर इस रिकवरी ड्राइव से। तो चलिए मैं यहाँ पे सी ड्राइव ओपन कर लेता हूँ। विंडोज़ में जाते हैं हम यहाँ पे सिस्टम 32 और सिस्टम 32 में जितनी भी फाइल है इसको डिलीट करके देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, कुछ फाइल्स डिलीट हो गई हैं, कुछ और को भी हम यहाँ पे डिलीट करने का कोशिश करेंगे। तो गाइस सारी तो नहीं लेकिन काफी हद तक फाइल डिलीट हो गई हैं। तो अब हम यहाँ पे सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये अभी भी रिस्टार्ट होता है कि नहीं होता है, और अगर नहीं होता है तो ब्लू स्क्रीन आएगा और उसी को हम यहाँ पे ठीक करके देखेंगे। तो गाइस ब्लू स्क्रीन यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया है, विंडोज हमारा लोड नहीं हो रहा है। ये देखिए योर डिवाइस रन इनटू अ प्रॉब्लम और ये ऑटोमेटिकली अब रीस्टार्ट होता रहेगा क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सिस्टम 32 की सारी फाइल डिलीट कर दी है। तो अब ये ऐसे ही एरर आता रहेगा। तो सेम अगर आप भी इसी तरह की सिचुएशन में स्टक होते हैं नेक्स्ट टाइम से और अगर आपने रिकवरी यूएसबी बना रखी है तो बस उस यूएसबी को अब आपको प्लग इन करना है अपने कंप्यूटर पर और प्लग इन करने के बाद बस अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कराइए और इस पर्टिकुलर रिकवरी यूएसबी से बूट करिए अपने सिस्टम को। तो जो भी आपका बायोस की है गाइस उसको आप यूज़ करिए और बायोस की यूज़ करके जो भी आपका बायोस उसमें आइए और बायोस में जाके बूट प्रायोरिटी ऑर्डर को चेंज करिए और इस रिकवरी यूएसबी से अब आपको बूट कराना है। तो मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह का आएगा।
तो यूएसबी डिवाइस को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, एंटर कराऊंगा। ये वही यूएसबी है जिसको हमने यहाँ पे रिकवरी यूएसबी अभी क्रिएट करी है। और जैसे गाइज ये बूट होगा रिकवरी यूएसबी से, तो आपको कुछ इस तरह का देखिए यहाँ पे पेज देखने को मिलेगा जहाँ पे कीबोर्ड लेआउट वगैरह पूछेगा। तो बस कीबोर्ड लेआउट को चूज करिए और इसके बाद आपको ऐसा पेज देखने को मिलेगा चूज एन ऑप्शन वाला। तो सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा रिकवर फ्रॉम अ ड्राइव, रीइंस्टॉल विंडोज फ्रॉम द रिकवरी ड्राइव कनेक्टेड टू दिस पीसी, दिस विल रिमूव ऑल योर फाइल एंड एप्लीकेशन। जैसे मैंने आपसे बताया कि सब कुछ डेटा ये रिमूव कर देगा, लेकिन जो आपका विंडोज है इसको यहाँ पे ठीक कर देगा। अब इसके अलावा गाइस यहाँ से कुछ और भी ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो, लाइक ट्रबल शूट में जाके आप स्टार्टअप रिपेयर ट्राई कर सकते हैं, पहले कमांड प्रॉम्प्ट से कुछ कमांड रन कर सकते हैं फिक्स करने के लिए जो भी आपका स्टार्टअप होता है विंडोज की फाइल होती है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को चेकआउट करिएगा। सिस्टम रिस्टोर को ट्राई कर सकते हैं, अदर ऑप्शन को ट्राई करिए। अगर कुछ भी काम नहीं करता है तो अब आपके पास रिकवरी यूएसबी तो है ही है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन आप क्लिक करो रिकवर फ्रॉम अ ड्राइव, और फिर नेक्स्ट आएगा जस्ट रिमूव माय फाइल फुली क्लीन द ड्राइव। तो पहले ऑप्शन में यूज दिस ड्राइव इफ़ यू आर कीपिंग योर पीसी, और सेकंड है यूज दिस इफ़ यू रिसाइकल द पीसी दिस कैन टेक सेवरल आर। अगर आप पीसी को बेचना वगैरह चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, वरना आपको पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, फिर यहाँ पे रिकवर पे क्लिक करना है और ये यहाँ पे रिकवर करना स्टार्ट कर देगा गाइस। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको वेट करना है, और जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद अब आपको एक नीट एंड क्लीन पेज देखने को मिलेगा और बिल्कुल फ्रेश विंडोज आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो ये गाइस आपके लिए तब बड़ा यूजफुल हो सकता है जब आप कट कोई डेटा आपका ज़रूरी नहीं है, आपने आपका उसका ऑलरेडी बैकअप ले रखा है और आपको विंडोज़ का कोई इश्यूज आता है, तो फटाफट आप इस यूएसबी को कनेक्ट कराइए और रिकवर करिए, और जो भी प्रॉब्लम थी वो आपके यहाँ पे अब ठीक हो जाएगी। प्लस जो भी लैगिंग वगैरह भी इश्यूज आपको आ रहे थे वो भी अब आपके विंडोज़ पीसी से यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो इसको आप एक एडवांस तरीका भी कह सकते हैं अपने पीसी को रीसेट करने का। और अगर आपके पास कोई ऐसी यूएसबी है तो अभी के अभी इसको आप बना के रखिए, आपके बड़ा काम आने वाली है। दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही। होपफुली आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।